मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज का दौरा किया। इस मौके पर सऊद बाम, फैसल बाम, एमपीटीसी अहमद कसादी, मोहसिन कुरैशी और एआईएमआईएम के मोस्ट सीनियर लीडर जनाब तलहा अल कसेरी साहब ने मिलकर शानदार तरीके से इस्तकबाल किया। गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज की बिल्डिंग शिफ्ट होने की वजह से उसमें पढ़ने वाले तलबा और सारी आवाम के दिलों में खुशी की एक लहर दौड़ गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आपके फंड कैसे भाई वो किसके फंड से बन रहा हूँ बल जाएगा मुकम्मल पर्दा भी आया था सरकार के जाने की जरूरत नहीं बिल्कुल बैठ जाना आपके बच्चा पढ़ना भी आता है पढ़ना बच्चा वो उसको छोड़ दे के सक्सेस नहीं हो बात ना करो गरीब हो वो भी किराए से दिए से मर्जी की उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे मन सो रहने दो उसको अपनी जरूरत नहीं अपने ये कैसे ये ले लेंगे रखते हुए उनकी दीवार को लगा लेके बड़ी जमीन है कामिल की जमीन ये उसमें क्या उसकी दीवार अलग ही है ये पूरी हेलो हेलो बहमल साहब क्या है कितना ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मिशन है या फिर कैसे देखते हैं आप इसको नहीं मैं इसका खैर मुकदम करता हूँ वेलकम करता हूँ और मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि ये 12 दिन पहले ही हो जाएगा और ये सही एक्शन लिया गया और पूरा मुल्क हुकूमत के साथ है क्योंकि दहशतगर्दी में जो वाक़ात हुए हैं चाहे पठानकोट हो पूरी हो पुलवामा हो तो आज जो एक्शन लिया गया हम इसका वेलकम करते हैं और साथ ही साथ हम हुकूमत से ये भी कहना चाहेंगे कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत होती है तो हमारी हुकूमत से उम्मीद करते हैं कि वो पूरी तरह चौकस और तैयार रहेगी हमारी आर्मी हमारी नेवी और हमारी एयरफोर्स और तीसरी बात यह है कि यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत सेल्फ डिफेंस का इख्तियार दिया गया है किसी मुल्क को और आर्टिकल 51 के तहत अगर कोई नॉन स्टेट एक्टर्स को कोई मुल्क की सरकार उन नॉन स्टेट एक्टर्स को नहीं रोकती है तो मौजूदा जो उसका इंटरप्रिटेशन है जो मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है 51 का आर्टिकल 51 का इंटरनेशनल लॉ का उसके तहत सेल्फ डिफेंस देने का इख्तियार है और पाकिस्तान ने उस 51 का इख्तियार किया है तो मैं अपनी पार्टी की जानिब से आज जो फैसला लिया गया है उसका अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आज अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट जूनियर गर्ल्स कॉलेज जो गवर्नमेंट हाई स्कूल में चलता था जिसमें 3 सेक्शन प्राइमरी सेक्शन फिर हाई स्कूल फिर कॉलेज चलता था बच्चों की बहुत दुश्वारी हो रही थी आज अल्हम्दुलिल्लाह नखीब एमएलए दार सरसुद्दीन यूनिवर्सिटी अपने पार्लियामेंट हैदराबाद सदर खुले मस्जिद से इत्तेहाद रुजवी अली इलाम अकबरुद्दीन यूनिवर्सिटी साहब हबीब मिलन खायद मखनना एमएलए चंदन गुट्टा और की हिदायत पर कामयाब नुमाइंदगी पर उनके फंड से अब्दुलवाहाब साहब की राष्ट्र निगरानी में कारपेंटर की आज जो है बच्चियों को जो है वो बिल्डिंग से यहाँ पर लाया गया अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्राउंड प्लस 2 बिल्डिंग है जिसमें नमाजगाह
नमाज के लिए प्रेयर का हॉल भी अल्हम्दुलिल्लाह बनाया गया है, लैब का हर चीज़ की यहाँ पे सहूलत है, जिसके लिए तमाम अहलियान मौला बरकत सलाला और हैदराबाद साउथ जोन तमाम लोगों ने, तमाम माँ और बहनों ने, बुज़ुर्गों ने, नौजवानों ने, नन्हे मुन्ने बच्चों ने और ख़ासकर यहाँ की स्टूडेंट्स जो हमारी बहनें हैं उन तमाम ने एमपी साहब एमएलए साहब को दिल की गहराई से शुक्रिया अदा किया, सलाम कहा और अब्दुल्ला साहब कारपोरेटर साहब का भी शुक्रिया अदा किया और सलाम कहा। फिर एक बार मैं और आपको खुशखबरी दे रहा हूँ कि एमपी साहब ने आकर यहाँ पे दौरा करके जो चमन के पास बाजू में लैंड है उस लैंड को बहुत जल्द डिग्री कॉलेज बनाने का लोकसभा इलेक्शन के बाद ऐलान किया, जिसमें आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्चियाँ यहाँ पर कॉलेज पढ़कर फिर बाजू ही अपना डिग्री कॉलेज को जा सकती है। खाली सीईसी था उस यहाँ के प्रिंसिपल साहब अल्लाह उनको सलामत रखे, उन्होंने एमपी साहब से नुमाइंदगी की और हम तमाम ने भी नुमाइंदगी करे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह एमपीसी बाईपीसी में लगा इसका जो है कोर्सेज शुरू होने वाले हैं। एक बार में इसमें सदर बारकत वेलफेयर एसोसिएशन अली बिन अब्दुलरहमान बहादुर साहब, नायब सदर फैसल बाम साहब और हमारे हेल्थ के श्री सऊद बाम साहब, अहमद कसारी साहब एनपीटीसी, इन तमाम ने और यहाँ के एडवोकेट्स इंजीनियर्स तमाम जो है मुख्तलिफ मकातिब के लोगों ने बहुत ही कोशिश कर रहे थे, एमपी साहब को बोल रहे थे, मेरे साहब को बोल रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम की कोशिशों को अल्लाह के फजल करम से आप तमाम की दुआओं से अल्लाह ने कामयाबी हासिल दे दी और आज बच्चे यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं और इंशाल्लाह फिर एक बार मैं असदुद्दीन अवैसी साहब का, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का, वह आप साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम तमाम आवाम की जानिब से मेरी जानिब से भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम का सलाम अर्ज़ किया क्योंकि आप जानते हैं बारकस का जो गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स था वहाँ पे हाई स्कूल भी था, प्राइमरी सेक्शन भी था, जिसकी वजह से हमारी बहनों को, हमारी लड़कियों को बहुत दुश्वारी हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये नई बिल्डिंग में हाईटेक एक्सेलेंट ज़बरदस्त बिल्डिंग में यहाँ पर आप लोगों को वापस बुलाया गया और जैसा कि अभी हमारे मातरम साउथ बाम साहब ने कहा कि एमपी साहब ने ये भी कहा कि लोकसभा के इलेक्शन के बाद डिग्री कॉलेज यहीं बाजू में रहेगा, आप यहां से सेकेंड ईयर करेंगे फिर इंशाल्लाह ताला डिग्री आपको यहीं और मैं मुबारकबाद देता हूं आपके प्रिंसिपल साहब को, अल्लाह आपको सलामत रखे। शायद आपने देखिए कि इन्होंने और हम सब ने मिलकर एमपी साहब से नुमाइंदगी की कि सीईसी है सर, एमपीसी बाईपीसी होना तो उसकी भी मंजूरी हमने आई, एमपी साहब ने कहा कि वो भी करूँगा बल्कि, और अल्हम्दुलिल्लाह भारत सरकार एसोसिएशन यहाँ के एडवोकेट्स, यहाँ के इंजीनियर्स, यहाँ के तालीम याफ्ता नौजवानों की बहुत दिनों से ख्वाहिश थी किसी भी तरह से एक जूनियर कॉलेज हमारे को हो, जिसमें फैसल बाम साहब भारत सरकार के नायब सदर और हमारे अली बहादुर साहब सदर भारत सरकार, सऊद बाम साहब, मोहसिन कुरैशी साहब, हमारा रिया लीरो एमपीटीसी अहमद कसादी साहब, इन तमाम ने मिलकर मोहतरम हबीबे मिलत अकबरुद्दीन अवैसी साहब से और असदुद्दीन अवैसी साहब से नुमाइंदगी की थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने उसको कामयाबी दिया। इस कामयाबी का सेहरा मैं अल्लाह के फजल करम से आप तमाम हैदराबाद और भारत सलाला के तमाम लोगों की दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी अजीब शान कामयाबी से हमें नवाजा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे पास डिग्री कॉलेज भी आ जाएगा। फिर एक बार आप तमाम लड़कियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, कल तुम्हारा एग्ज़ाम है, इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जिस तरह पिछली मरतबा तुम लोगों ने 1000 में 937 950 लेकर तेलंगाना सरकार में नंबर वन अगर आए थे तो हमारे गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज के लड़के आए थे, जिनको हमारा मुख्यमंत्री गोल्डन केसीआर सर ने उनको ना सिर्फ नक इनाम दिया था बल्कि मोमेंटो भी दिया था। इसी तरह मैं कहूँगा कि हम हर वो हमारी आज की लड़की, हर वो हमारी बहन इंशाल्लाह नंबर वन आके हमारे हमारे कारपेंटर का हमारे की जानी से अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्कस में जूनियर कॉलेज जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद ने अपॉइंट किए हैं, हमारे साबिर साहब जो है यहाँ के प्रिंसिपल हैं और हमारे सर भी हैं, पढ़ा चुके हैं मार्कस से, इनका गहरा ताल्लुक है, आज से नहीं मिलकर प्रिंसिपल बन के आए हैं, खुशी की बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असदुद्दीन साहब ये स्कूल के कॉलेज के पीछे और भी जमीन है, यहाँ पर इंशाअल्लाह डिग्री कॉलेज बनाने का वादा किया है इलेक्शन के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की पूरे बहुत ही अच्छे लड़कियाँ भी होगा
यहीं पर पढ़ना है, जूनियर और डिग्री भी यहीं पर पढ़ के जो तो कामयाबी करना है, कहीं जाने का यानी इंटर के बाद परेशान होते थे कि कहाँ जाएंगे हम, कौन से कॉलेज में जाएंगे, कौन से कॉलेज, मगर अब हमारे एमपी साहब ने आपका टेंशन दूर करते हैं, इंशाल्लाह यहीं पर पीछे आप डिग्री कॉलेज पढ़ते निकलेंगे। हमारे इसके अलावा हमारे तलाक साहब की भी बहुत मेहनत है हमारे इस जूनियर कॉलेज के लिए और हमारे सभी मार्गस के हमारे